चलो हम लोगों ने ऑलमोस्ट बॉडी को मैनेज कर लिया था, ठीक है। जितना बॉडी हम लोगों को मैनेज और मेंटेन करना था वो हम लोगों ने कर दिया। अभी हम लोग आज फेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेफरेंस है मेरे पास यहाँ पे, बाकी इनको मैं एक दूसरे लेयर पर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे लेयर में प्रॉपर नेमिंग रखना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने मॉडल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको कलर देना है आप कलर यहाँ पे चूज करके ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने नीचे कोई कलर देखा है यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास फ्रंट है, यहाँ से मैंने लेफ्ट में लिया 4 एंड 5। यहाँ पे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं आप देखो, तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट व्यू में जाना चाहिए। राइट व्यू में अगर कुछ दिख जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में कुछ दिख रहा है यहाँ पे, फोकस। यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पर चीज़ों को लॉक कर रखा है तो मैं पहले क्रॉस चेक करता हूँ। मैं सब यहाँ पे फ्रंट साइड की मुझे वैल्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ से क्रॉस चेक करना है। तो क्या क्या मैंने यहाँ पे 4, 5 एंड 6 प्रेस करो, यहाँ पे देखिएगा क्या। तो पहला काम, अगर मुझे यहाँ पे फेस बनाना है तो फेस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बेसिक शेप्स को यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक, इसे लॉक कर लो, ठीक है। शिफ्ट राइट क्लिक, क्रिएट पॉलीप्लेन। पॉलीप्लेन से अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मैं अगर यहाँ पे चूज करके मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास शेप्स कैसे आ रहा है। मेरे को यहाँ पे जो हेड वाला पार्ट है प्रॉपर आउटलाइन के साथ यहाँ पे मैनेज होना चाहिए, जो अभी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ से व्हाट आई वांट, यहाँ से थोड़ा सा बेसिक शेप्स को मुझे थोड़ा अगर कवर कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ पे, और देन ये बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो कर लूँगा। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे दूंगा ताकि चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकूँ। बाद में मैं सेगमेंट्स पॉइंट्स अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना पड़े तो मैं ऐड ऑन करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है देखो, हेयर आपके थोड़ा सा ऊपर से रहेंगे तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप्स को यहाँ पे मैनेज करना है। अभी जिन लोगों से राउंड नहीं बनेगा वो लोग क्या करें, यहाँ पे स्पेयर लगा के आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिक शेप्स आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे जो बेसिक शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे डब्लू प्रेस किया आपने, ठीक है, ओके। तो आपका आउटलाइन तो आपको मैच हो जाएगा, आउटलाइन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग गए सिंपल सा पार्ट फेसिस पे गए, एंड देन यहाँ देखो फ्रंट पे गए। ये फ्रंट है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। तो पहला काम मुझे, अगर मैं यहाँ पे अगर एक्सट्रूड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो ये अपोजिट में दिख रहा है, ये फेसेस आप डिलीट करो, ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है। बाहर ब्लैक दिख रहे हैं तो डबल क्लिक करो, शिफ्ट राइट क्लिक फेस एंड रिवर्स नॉर्मल्स, काम खत्म, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास बेसिक शेप्स है, बेसिक शेप्स के बाद मैं अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को इस टाइप से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे किस टाइप से शेप चाहिए। दूसरा पार्ट यहाँ देखो, ये मैंने बेसिक अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को बना के रखा है यहाँ पे। कई लोगों से ऐसा होता है चीज़ें नहीं फुलफिल हो पाती, ठीक है। यहाँ देखो मुझे फेस को यहाँ पे सेंटर पे करना है, तो सेंटर पे करने के लिए यहाँ पे मैं रेफरेंस को एक बार अनलॉक करता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास रेफरेंस है, अभी इसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डब्लू देखो आपके पास कहाँ पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करो, इंसर्ट बटन याद है आप लोगों को, इंसर्ट बटन प्रेस के मैंने इसको ऊपर लेके आया यहाँ पे, इंसर्ट ऑफ कर दो आप। अभी आप यहाँ से अगर गए इसको अपने सेंटर लाइन पर आप सेट कर देते हो तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाता है। सेंटर लाइन पर भी चीज़ बहुत बढ़िया नहीं दिख रही मुझे, स्पेस बार सेंटर लाइन ये नोज में बस यहाँ पे, ठीक है। देखोगे यहाँ पे चीज़ आपको ऐसे दिखेंगी। अभी मेरे पास रेफरेंस बहुत ही एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, एक आर्टिस्ट को ऐसे करके भी आपको काम करना आना चाहिए कि भाई शेप को मुझे अगर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ यहाँ पे। आप एक चीज़ ध्यान रखो, हर चीज़ बहुत एग्जैक्ट नहीं मिलने वाली। बहुत अच्छे स्टूडियो में जाओगे आपको वहाँ पे रेफरेंस बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, कई जगह ऐसा भी मिलेगा तो अप डाउन भी मिलेगा, तो आपको थोड़ा तो मैनेज करना आना चाहिए। ये पार्ट कर दिया, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे आई का शेप पकड़ना है, ठीक है। स्पेस बार प्रेस किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पर आई में अगर बनाने वाला हूँ तो आई का क्या पार्ट है कि आई के आई बॉल के ऊपर से वो शेप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर एक आई बॉल रखूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सेम चीज़ में सेम यही क्रिएट पॉलीप्लेन सेम चीज़ में बना सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं भाई बेसिक शेप्स को यहाँ पे दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो ये काइंड ऑफ ऐसे कुछ के यहाँ पे कुछ ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, देन यहाँ पे हमेशा कॉर्नर पे वी बनाना, वी मतलब दो पॉइंट यहाँ पे रखना, ठीक है। आप ऐसे करके 4 प्रेस करके देखो तो आपके यहाँ पे 4, 5 एंड 6 ये ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करें यहाँ पे,
मुझे कुछ अगर ऐसा कुछ करना भी है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया। ठीक, अभी ये जो बेसिक सा सेप है मेरे पास, यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ सकते हैं यहाँ पे। पॉसिबल है? यहाँ देखो, जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ पे ब्लैक खा रहा है, तो ब्लैक को मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स कर देना है। फेसेस देन रिवर्स नॉर्मल्स, ठीक है, वो पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी एजेस को सबको सेलेक्ट करो, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड किया आपने यहाँ पे, एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ये चीज़ों को दोस्तों आप ऐसे मैनेज करो तो पॉसिबल है। फेसेस पे गए, बीच वाला पार्ट डिलीट कर दो, आउटर पूरा बॉर्डर बन गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे गया, मैंने यहाँ पे पॉली देन मैंने स्पेयर लिया, स्पेयर यहाँ पे लेता हूँ, स्पेयर को लेके मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है, आई बॉल बनाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। क्या रोटेशन पे गए 90, ठीक है, आई बॉल को मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ तक सेट करते हैं यहाँ पे। देखो अभी यहाँ से मैं अगर अरेंज करूँ तो मुझे यहाँ पे फोकस करने पर मुझे आइडिया मिल जाएगा। मैं देखो आई बॉल यहाँ पे, देखो ये साइड से मुझे इतने ही पार्ट में दिखना चाहिए, क्या ऐसे दिखना चाहिए। अगर मेरे से यहाँ पे है तो इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे पकड़ा, मैंने मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट, ठीक है, इसको मैं आगे लेके आता हूँ। अभी देखो यहाँ से देखिए अप एंड डाउन, अभी साइड से मुझे पता चल रहा है फ्रंट साइड बहुत ही परफेक्ट नहीं है, तो मैंने फिर से अनलॉक किया। ठीक है, साइड वाले पार्ट को मैंने कहा ओके, अगर मैं इसको साइड वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रहा हूँ, मेक श्योर अगर साइड वाले पार्ट को मैं इसको मैंने यहाँ पे, तो मैं इसको मुझे इसको भी पकड़ना पड़ेगा, हाँ समझो, ताकि अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास मैनेज हो सके यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से मैं इंसर्ट बटन प्रेस कर दूँ यहाँ पे, इंसर्ट मैंने कहा भाई ऊपर आ जाओ। ठीक है, कई बार हम लोग फेस के लिए अलग से भी कटिंग कर लेते हैं, क्या इंसर्ट पर क्या, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों को सेलेक्ट कर रखा है नहीं कर रखा है ये तो मूव हो रहा है, मैं साइड रेफरेंस डब्लू, ओहो ये तो क्या मॉडिफाई सेंटर पावर, ठीक है, देन इंसर्ट, इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे हो गया, और देन ये पार्ट में इसको इधर 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 ये तो क्या पे, मैं अगर क्रॉस चेक करूँ मेरे आई बॉल मैंने यहाँ पे दिया भी यहाँ पे मेरे आई बॉल, ठीक है, मेरे आई बॉल अगर यहाँ पे, तो मुझे इसको भी यहाँ पे इसके साथ में जिस ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं मूव हो रहा, तो मुझे एक ही करके लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेक श्योर पहले रेफरेंस सेट हो जाए तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा पार्ट देखो, ये अभी मैंने देखा यहाँ से मुझे ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे मैच करना पड़ेगा, तो कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, आई बॉल मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी मेरे पास आई बॉल आ गया, तो आई बॉल से मुझे क्या आइडिया मिल गया, देखो मैंने जो ये बनाए फ्लैट्स आ रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, डिफॉर्मर पे गए, डिफॉर्मर में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, लैटिस करना है, लैटिस पे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम 5-5 भी कर सकता हूँ, 3-3 भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके वो अप्लाई करके देखें यहाँ पे, तो देन लेट्स सी, राइट क्लिक लैटिस पॉइंट, ये पार्ट मैंने यहाँ से और ये पार्ट मैंने, देखो मैं मूव करूँ यहाँ पे, कई बार स्नैप ये काम नहीं करता, ये भी एक पार्ट होता है कि जब आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो चीज़ आपके पास यहाँ से ये चीज़ डब्लू इज नॉट वर्किंग, है ना, तो हम लोग चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, ऐसी प्रॉब्लम भी कभी कभी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफॉर्मर पे गया, लैटिस पे गया, एडिट एंड रीसेट, देन डू वन थिंग, 3 टैब 3 3, ठीक है, देन क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड लैटिस पॉइंट। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे क्या क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं अगर मैं मूव कर दो ना, मूव में मेरे पास कई बार चीज़ ऐसी होती है, जैसे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास कई बार कुछ अलग अलग पार्ट भी मिलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लोकल ऑब्जेक्ट, अभी सोचो कई बार मैं अगर ऐसी प्रॉब्लम भी मैं फेस करता हूँ, भाई मैंने ऐसा कुछ काम किया, ठीक है, मैं इनको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके देखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे पास कुछ काम हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। अभी क्या होगा, बाई चांस कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए और अगर ये काम नहीं करे तो क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक ही चीज़ पे डिपेंड रहे, क्योंकि ये नॉर्मली होता है, मैंने कई ऐसे ट्यूटोरियल बना के डाले इसमें वो वर्किंग करता है, लेकिन कई बार अगर ऐसा हो गया भाई वो काम ही नहीं करा, तो हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग इसी पे बिल्कुल रिजेक्टिव हो जाएंगे, भाई ये काम करेगा तभी काम करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बताता हूँ। अभी यहाँ से मैं क्या किया, गया टॉप पे फोकस, ठीक है,
अभी इनको समझना देखो, यहाँ पे मुझे कर्व ही लेना है। कर्व को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो कर्व को देखने के लिए मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसी है। अगर मैं यहाँ पे चाहिए कर मैं पॉइंट को पकड़ता हूँ, तो मैंने इतने पॉइंट को मैंने यहाँ पे पकड़ा और मैंने कहा ओके डू वन थिंग, इसको मैंने यहाँ से आगे कर्व मैं मेंटेन कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल? ठीक है, इसको मैंने यहाँ से पकड़े, ये कॉर्नर पॉइंट, ये अगर मैं अंदर की तरफ ले जाऊँ, पॉसिबल है? इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया बी, बिफोर सॉफ्ट सिलेक्शन कम करना बी एंड लेफ्ट बटन से यहाँ पे, तो ऐसे भी आप डील कर सकते हो। तो मेक श्योर कभी कभी अगर ऐसा कुछ चीज़ें नहीं काम करे तो आप ऐसे भी मैनेज करके अपना काम कर सकते हो, हल्का सा रोटेशन देना लिटिल बिट। अभी यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पे देखो तो आपके पास यहाँ पे राउंडनेस, ये जो आपके पास जो आउटर पार्ट है, ये जो पार्ट देखें यहाँ पे, ये पार्ट आपके इसके ऊपर, ये आपका थोड़ा सा टच में होना चाहिए। बी ऑफ करो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस आई बॉल के टच में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आई ब्लिंक होगा तो इस पर बहुत बढ़िया काम करने वाला है, वो करना ही चाहिए। देखो इसके साथ मुझे यहाँ पे वो कुछ और नहीं दिख रहा, मैंने यहाँ पे क्या किया, आई बॉल को मैंने यहाँ पे एक लॉक के पैटर्न में दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। इज इट पॉसिबल? मैंने इसको यहाँ पे लिया स्पेसिंग, देन ये पार्ट आपस यहाँ पे, ये पार्ट आपने क्लियर कर दिया, इसके बाद आप कोई भी चीज़ आपके लिए दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा राउंडनेस, अभी देखो इतने हम लोगों ने प्रैक्टिस की स्केचिंग पे बाकी सब चीज़ों पे, तो आप ये चीज़ अगर यहाँ से मैनेज कर दोगे तो आपको कितना बढ़िया इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे। ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे यहाँ पे मुझे कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है यहाँ पे। ओके, तो डू वन थिंग, ठीक है, ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, बैलेंस कर दूँ। यहाँ पे क्या होता है, ईयर डक होता है, तो यहाँ पे मैं इतना स्पेस रखूँगा ताकि वो चीज़ मैं बना सकूँ यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिए, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करके मैंने इसे अंदर की तरफ ले गया यहाँ पे, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है, एक पार्ट ताकि आप मैं इसके गैप में मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर अभी यहाँ पे एक बार मैं और एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करने बाद देखो ये एक्सिस देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लू एक्सिस देखना है, अंदर की तरफ लेके गए यहाँ पे, ताकि ऐसा हो जाए। थ्री प्रेस करके देखो, बहुत बढ़िया सा इम्पैक्ट आपको देखेगा यहाँ पे। ओके, अभी अगर मैं आई को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, मुझे अगर आई को समझना है, तो मैं इसके लिए आपको एक रेफरेंस भी दिखाऊंगा। तो गाइस एक बहुत अच्छी सी इमेज है, रियलिस्टिक हम लोग कार्टूनिंग मॉडल कर लेंगे, थोड़ा सा मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे। देखो वन प्रेस कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे अगर आइडिया देना है तो व्हाट आई वांट रिंग एंड स्प्लिट, थोड़ा सा बेसिक शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ये रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये हल्का सा पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मैं पार्ट ऐसा कुछ वेल मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना भी पड़े तो ऑल्ट एच कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने दिखाया ना यहाँ पे ईयर डक्ट यहाँ पे दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन फेसेस को अगर मैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3 फेस वन डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, एजेस को यहाँ पे कर दिया एंड ब्रिज कर दिया, तो ब्रिज करने पे मेरे ये पार्ट यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, प्रेस करो 3 तो ये पार्ट आपके यहाँ पे दिखेगा क्या, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर डन यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे कर रखा ना, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ से रीअरेंज कर दूंगा यहाँ पे, देख रहे हैं, अभी इसकी मुझे फिलहाल में ऐसी कुछ नीड नहीं है, तो मैं इनको मैं थोड़ा सा ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा, भाई मुझे ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कुछ अरेंज कर दोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट अगर आपको दिखे, भाई मुझे यहाँ से थोड़ा सा पार्ट अगर ऐसा कुछ निकालना है, और फॉर स्केल यहाँ मैंने कर दिया 3 प्रेस कर रखा है यहाँ पे, और देन इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये पार्ट भी आपको दिखेगा यहाँ पे, हल्का सा पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा वेल मैनेज होकर दिखेगा, इधर से ज़्यादा इधर से कम होता है। कभी भी अपनी आंखों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखेगा यहाँ पे ऐसा कुछ एक पार्ट देखेगा। चलो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। आफ्टर देन ये देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सट्रूड करने पर मुझे यहाँ पे पहले ये पार्ट तो मैंने यहाँ से, दूसरा पार्ट ये पार्ट मैं अगर यहाँ से अंदर करता हूँ, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर है, ये यहाँ से मिल रहा है, ये पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मुझे फिलहाल में ये जो पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, अभी इन पार्ट के लिए मैं पे क्या करना है, देखो मेरे पास अब 2D इमेज है, शक्तिमान की जो इमेज है फेस है, मैं फ्रंट पे गया पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आई बॉल को मैं ऑफ करता था, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला कि भाई कितना वो पार्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो मैं बेसिक एक शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझना है ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, मुझे यहाँ पे चीज़ों को कुछ चीज़ों को मुझे ऐसे बेसिक शेप्स को मुझे यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया ताकि, ठीक, एक चीज़ और ध्यान देना, ये नीचे वाले आई है ना ये अंदर रहता है, ये ऊपर वाला ऊपर रहता है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ देखिएगा, तो थोड़ा सा हम लोग इसे मेक श्योर हल्का सा अप एंड डाउन यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा गेम खेलेंगे यहाँ पे, ये अंदर और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ रखेंगे, ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा होता है अगर आप समझोगे तो, ठीक है,
ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिक शेप्स यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। फ्रंट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने देखा भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये जो बेसिक सा शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। राउंडनेस के लिए यहाँ पे तो और सब चीज़ों को मैं स्पेसिंग दे देता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। और देन ओके, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें, ठीक। अभी यहाँ से अगर चीज़ों को मैं वेल मेंटेन करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं बेसिक शेप्स के यहाँ पे रख रहा हूँ, मेरे पास आई का ये पार्ट बाहर है, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ चीज़ बाहर और कुछ अंदर करना है, यहाँ पे देखो ये शेप्स क्या से गया, ये पार्ट मेरे पास बाहर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इन चीज़ों को समझोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इनको समझोगे तो इस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट कर, ये हल्का सा अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इसको मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ, यहाँ से अंदर करूँ तो वो भी ऑटोमेटिक अंदर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे अंदर की तरफ जाना चाहिए, तो ये पार्ट मैंने हल्का सा अंदर की तरफ मैंने किया। ये आपको दो साइडें मिलेगा, ठीक है। अभी ये जो पार्ट बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं, पर कोई डेप्थ नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हल्का फुल्का यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं मैनेज करूँगा पे, ठीक। ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मैनेज किया, ठीक है। ये वेल मेंटेन हम लोग यहाँ पे मैनेज करके काम करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो करेंगे क्या। अभी कोई मैं साइड रेफरेंस में कैसा है, साइड रेफरेंस में बहुत खींचा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे अपने आई बॉल के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो आई बॉल के अकॉर्डिंग ये मैं बस चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज होकर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार के लिए मैं अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, हल्का सा 0.3 जितना ये हल्का सा रोटेटेड होता है, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा मैंने ऐसे रोटेट भी किया ताकि चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने रोटेट किया, देखो यहाँ पर मैंने इधर रोटेट किया तो ये देखो ये ऐसे देख रहे हैं अभी, ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आना चाहिए। अभी इसके बाद देखो यहाँ पर जो बेसिक सा शेप्स हैं, यहाँ पर बेसिक से शेप्स के लिए मैं पे क्या करने वाला हूँ, जैसे देखो पे ये एजेस मैंने यहाँ पे लिए। अभी यहाँ पे मैं 3 प्रेस करता हूँ, मेरे फ्लैट आता है यहाँ पे। अब मुझे अगर यहाँ पे मुझे एक एजेस अगर मैंने दे दिया यहाँ पे, समझना, इंसर्ट एज लुक टूल, मैंने एक एजेस यहाँ पे दिया W, ठीक है, डी सेलेक्ट किया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ से चीज़ों को हल्का सा प्रेस करना पड़े तो मैं यहाँ पे प्रेस कर सकता हूँ, यहाँ पे देखना। अभी 3 प्रेस करो तो ये देखो शेप देखिएगा आप यहाँ पे। ये आपको सेगमेंट्स की वैल्यू समझने कि किस जगह पे मैं सेगमेंट रखूं ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूं। ऑब्जर्व करके आप मैनेज करोगे तो आपको इस चीज़ें थोड़ा सा बेटर देखेंगे आप देखो, ठीक है। अब ये अंदर दब गया तो मुझे फिर ये अंदर दबने के बाद मुझे ये पार्ट मुझे बाहर लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो पार्ट बाहर आएंगे ना यहाँ पे, ये देखो फीमेल का ये पार्ट बहुत ज़्यादा दिखता है, विजुअल होता है, ठीक है। ये जो एरिया मेल का उतना नहीं विजुअल होगा क्या, कंपेरिजन मेल टू फीमेल में आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ज़्यादा विजुअल होता है फीमेल का, मेल का उतना विजुअल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैं पास देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ, मैंने यहाँ पे क्या क्या व्हाट आई वॉन्ट, यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने ऑफ किया यहाँ पे। अभी मुझे जो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो डू वन थिंग, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, एरो से मैं गेम प्ले कर रहा हूँ पे, ठीक है। गेमिंग एरो अगर आपको पता हो, जैसे हमारे पास क्या होता है डिलीट एंड एंड पेज डाउन के नीचे जो कीज़ है ना, मैं उनके साथ मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसको मैंने यहाँ से मैंने ऐसे मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है, देखना यहाँ पे देन इन चीज़ों को मगर ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो ये चीज़ थोड़ा सा और बेटर दिखेगा क्या। यहाँ पे इन शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके मैं कुछ मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें विजुअल होंगी यहाँ पे, ओके। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, अब ये जो धीमी धीमी जो शेप्स है ना, इन शेप्स को थोड़ा सा मुझे राउंडनेस में लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या देखे, देखो यहाँ पे अभी ये पार्ट हमने यहाँ से दिखाया तो मेरे पास ये पार्ट इतना डेप्थ नज़र आएगा यहाँ पे, ओके। ये जो पार्ट मैंने यहाँ से किया, ये दोनों पार्ट आपके पास यहाँ से इधर कवर होके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपके पास देखेंगे, साइड में आप अगर जाके देखो तो ये पार्ट आपका इधर की तरफ जाएगा यहाँ पे। तो मेक श्योर ये चीज़ थोड़ा सा आप समझना। अभी हमने रेफरेंस तो लगाया लेकिन देखो यहाँ पे साइड से बहुत ज़्यादा मैच नहीं होगा, तो ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। अगर मान लो मैं अगर साइड से मैच करने लगा, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि देखो मैंने यहाँ पे साइड में अगर मैं मैच करता दिए, मेरे पास साइड में कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे होने वाला है, ठीक है। बहुत ही फ्लैट हो जाएगा, देखो कैसे देखेगा, अगर हमने ऐसा किया तो कैसा होने वाला है। तब मेक श्योर ये सब कुछ ऐसा नहीं देखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई बॉल हमने सेट कर रखा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अगर मैं करूँ, मेरे पास अभी मेरे पास आउटलाइन का बहुत अच्छा काम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आउटलाइन का काम आने का मतलब देखो मेरे पास अभी मैं फ्रंट पे क्या, मेरे पास फ्रंट ही है, फ्रंट से मुझे बहुत बेसिक सा बहुत ही पर्टिकुलर शेप है यहाँ पे, कि यहाँ से शेप ऐसे पॉइंटर से दिख रहा है तो मुझे ये शेप ऐसा कुछ चाहिए। अभी सपोज मैं अगर ऐसा कुछ शेप लेना चाहता हूँ तो मैं कैसे ले सकता हूँ, तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आप। बहुत सिंपल सा स्टेप है, समझना और याद करना। दिस वन एंड दिस वन दोनों को सेलेक्ट किया यहाँ पे, शिफ्ट एंड यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ब्रिज है ना, ब्रिज पे गए, यहाँ पे गए एडिट एंड रीसेट, ठीक है।
स्मूथ पाथ एंड कर्व। जिन लोगों ने मेरा जो मैंने चैनल पे वीडियोस बोला था, वो जिन्होंने स्टडी किया उनको ये देख के बहुत आसान लगेगा कि भाई यहाँ पे कितने मैं सेगमेंट दे सकता हूँ। डिवीजन में नॉर्मल 10 रखता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई यही होना चाहिए, ठीक है। डन किया मैंने अभी, अभी देखो यहाँ पे मैं कर्व है, यहाँ पे फ्रंट में गए, राइट क्लिक एंड ये देखो ये वर्टेक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कर्व के साथ प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या सर्फेस को कर दिया ऑफ। अभी अभी भी आ रहा है, अरे और डिटेल, ठीक है। तो डू वन थिंग, यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, दिस वन एंड दिस वन, इसको मैं दोस्तों मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बहुत ही फ्लैट थिकनेस वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, कितना पार्ट, इतना पार्ट दिख रहा है। मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ, चलो मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना तो मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। ये तो ऊपर कुछ सेगमेंट्स नहीं दिए मैंने यहाँ पे, बहुत कम सेगमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो अभी काम चलाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने बोला ना रिंग एंड स्प्लिट, ओके ये ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। ये पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, और देन यहाँ से इधर इधर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ सेगमेंट्स अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ, या पॉसिबिलिटीज आप ऐड ऑन कर दो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। वन टू, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थ्री एंड थ्री, इतना मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यार मेरे पास यहाँ पे पार्ट हो सकता है, फोर एंड फोर, ठीक है, फोर एंड फोर ऐसा कुछ कर सकते हैं। स्विफ्ट एंड ब्रिज, ब्रिज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एडिट में गए, रीसेट, रीसेट में गए स्मूथ पाथ एंड कर्व, ठीक है। स्मूथ पाथ एंड कर्व में यहाँ पे डिवीजन कितना देना है, मुझे थ्री ही देना है, ठीक है। थ्री एंड टू से मैं काम चला सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो बहुत बढ़िया राउंडनेस आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको ये आउटर पार्ट बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगे तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, कि चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहला काम देखो, सिंपल सा पार्ट, वन टू, वन एंड टू। आप यहाँ से अगर काम करोगे तो ब्रिज तो आपका वैसे ही काम कर जाएगा नॉर्मली, ठीक है। ब्रिज में स्मूथ पाथ की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्मूथ पाथ ऐसे करूँ तो मैं सीधे को देख रहा हूँ, ज़्यादा सेगमेंट्स मुझे यहाँ पे लाइक वन इज एनफ आई थिंक, यहाँ से मुझे लग रहा है ये काम कर जाएगा यहाँ पे। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट एंड मर्ज कर दिया यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे दो सेगमेंट्स हैं, ठीक है। दो सेगमेंट्स के लिए मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट, या तो एक सेगमेंट मैं दूँ या दोनों को मैं कम कर दूँ, ये डिपेंड करेगा क्या कि देखो नीचे में बस सेगमेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब आंखें बनाऊंगा तो यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा चाहिए, लेकिन इनको मैं कैसे ट्रैवल करूँ, कैसे मैं मैनेज करूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्विफ्ट मर्ज टू सेंटर कर दिया, कम का कम नीचे सेगमेंट चाहिए तो मिल जाएगा, मैं बाद में इसे अरेंज कर सकता हूँ, और अभी मुझे सेगमेंट देना तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। सेम हेयर यहाँ पे भी अगर मैंने मैनेज किया तो मैं यहाँ पे कैसे क्या काम करता हूँ यहाँ पे, दिस वन वन एंड टू, यहाँ वन एंड टू, ठीक है। सिंपल मैं ब्रिज करता हूँ यहाँ पे, तो ब्रिज में क्या करेंगे, ब्रिज किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पर मुझे लगता है एक सेगमेंट ये भी काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डन, वर्टेक्स पे गए, फिलहाल मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। डन, कभी भी साइड वाला जो एजेस होगा ना, ये साइड वाला एजेस साथ में छोड़ना, जैसे साथ में ना इसको थोड़ा सा स्पेसिंग देना, स्विफ्ट एंड स्लाइड एज लिफ्ट टूल, हमेशा मेक श्योर ये थोड़ा सा स्पेसिंग में रखना। दूसरी चीज़, तो इतना हमने जो किया तो सा स्पेसिंग देख लेना भाई, स्पेसिंग में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट में गए, लेफ्ट एंड राइट, कुछ खास मुझे देखना है यहाँ, राइट में गए, राइट में देखते हैं यहाँ पे। रेफरेंस को मैंने कर दिया अनलॉक, अनलॉक ही है, ठीक है। डबल प्रेस किया मैंने यहाँ पे, इधर से मैंने इधर मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लॉक। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ देखें, देखो ये राउंडनेस वाला पार्ट ना आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, खासकर ऊपर के जो दो पॉइंट है ना यहाँ पे, कभी ऐसा लगे तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना तो मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कि भाई मुझे शेप्स को कैसे लेके जाना है, किस हिसाब से मुझे काम करना है। तो चीज़ों का, मुझे यहाँ पे देखो थ्री प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे कहाँ पर कैचेज थोड़ा सा आर्ट लगे, मैं उसे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ से मुझे लगे कि भाई रिंग एंड स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा दो अंतिंग रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, ओके। अभी देखो ये यहाँ तक आ गया, मैंने यहाँ पे क्या रिंग एंड कोलैप्स कर दिया, तो अभी काम खत्म, बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। काम कर सकते हैं यहाँ पे,